आज हम इस जुड़े आपके लिए लेके आए बिना तंदूर का सोया चॉप टिक्का घर पे आसान तरीके से किस तरह से बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल टेस्टी। तो चलो इसको बनाना भी शुरू करते हैं। तो सोया चॉप टिक्का बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4-5 सोया चॉप, ये मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इसे सबसे पहले बॉयल कर लेते हैं। तो उसके लिए अभी मैंने पैन ली है, उसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। इसके बाद अभी हम डालेंगे इसमें सोया चॉप। उसके बाद अभी हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध, 1 चम्मच बटर और साथ में अभी हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता है। अभी सोया चॉप पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक अभी हम बेसन को भून लेते हैं। तो उसके लिए मैंने अब पैन लिए, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो घी अभी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें बेसन डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेते हैं। मैंने अभी इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है, तो अभी आप देख रहे हैं इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आनी चालू हो गई है। तो बस हमें इसको इतना ही भूनना है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। और जब तक बेसन अच्छे से ठंडा हो रहा है, तब तक अभी हम तंदूरी टिक्का को अच्छा सा कलर आने के लिए लेंगे हम सबसे पहले 1 कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप सरसों का ऑयल। तो अभी ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारा टिक्का को अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम तुरंत गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमें और चीज़ें ऐड करने के लिए आसानी हो, इसलिए मैंने कढ़ाई को नीचे रख लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसके बाद अभी हम डालेंगे इसमें 1/2 कप दही। तो ये टंगा हुआ दही लिया है मैंने, टंगा हुआ दही मतलब मैंने दही को एक कपड़े में डाल के इसको 3-4 घंटे के लिए टांग के रखा था, ताकि दही का जो एक्स्ट्रा का पानी है वो सारा निकल जाए और ये अच्छे से गाढ़ा बन पाए। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच काला नमक। इसके बाद अभी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ में अभी हम डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा पतला ही लग रहा है बैटर, तो इसीलिए अब हम डालेंगे इसमें भुना हुआ बेसन। अब हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अभी इसको अच्छे से मिला लिया है, तो अब हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। तो अब हम सोया चॉप को भी देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं दूध भी अच्छे से उबल उबल के आधा हो चुका है और सोया चॉप भी इसमें अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो अभी सोया चॉप जल्दी से जल्दी ठंडे हो, इसलिए अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अभी सोया चॉप पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें से स्टिक लगी है ना, उसको निकाल लेते हैं। मैंने अभी सारे सोया चॉप की डंडियाँ निकाल लिए, तो अब हम इसको काट लेते हैं। अब हम सोया चॉप को बड़ी बड़ी पीसेस में काट लेते हैं।
मैंने अब इसको अच्छे से काट लिया है, तो अब हम इसको जो मैग्नीशियन बनाया था उसमें डाल लेते हैं। तो अभी हमने जो दही का मैग्नीशियन बनाया था वो ले लेते हैं और उसमें सोया चॉप को डाल लेते हैं। के बाद अभी हम लेंगे एक कटा हुआ प्याज और एक कटी हुई शिमला मिर्च, तो मैंने इसको डायमंड शेप में काट लिया है, तो अब हम इसमें ऐड कर, अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अभी इसको अच्छे से मिला लिया है, तो अब ये तैयार है। तो अब हमारे पास तो तंदूर तो नहीं है, पर तंदूर जैसा स्मोकी फ्लेवर आने के लिए अब हम इसके लिए कोयले का यूज करेंगे। तो इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने पहले ही कोयले को गैस के ऊपर गर्म होने रख दिया था, तो कोयले अभी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अभी हम एक कटोरी को इसके अंदर रख देते हैं और कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। और अभी हम तुरंत इसको ढक देते हैं ताकि धुआं अंदर ही अंदर रहे और टिक्का को अच्छे से तंदूर जैसा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब 1-2 मिनट हो चुके हैं, अब हम थाली को हटा देते हैं। वाव, मस्त बढ़िया सी खुशबू आ रही है, अब हम इसको हटा देते हैं। तो अभी हम इसे जल्दी जल्दी सिक्कों पे लगा लेते हैं। तो लीजिए, अब मैंने इसको अच्छे से सिक्कों पे लगा लिया है, तो अब हम इसे ग्रिल भी कर लेते हैं। इसके लिए अब मैंने गैस के ऊपर ग्रिल तवे को चढ़ा दिया है, अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। इसके बाद अभी हमने जो सोया चॉप को अच्छे से सिक्कों में लगाया है ना, वो रख देते हैं। अभी हम इसे हर तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। मैंने अभी इसको अलग पलट के अच्छे से सेक लिया है, तो अभी आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है ना इनको, गोल्डन ब्राउन सा। तो बस हमें इसको इतना ही सेकना है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी हमारे सोया चॉप टिक्का तैयार है, तो हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ सुपर। तो लीजिए, अब हमारे बिना तंदूर के सोया चॉप टिक्का बनके तैयार है। तो मैंने इसको प्याज, हरा धनिया और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप कैसी लगी इनकी रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।